बस वो बहुत अच्छा है नजारा दोस्तों, ठंडा ठंडा लग रहा है। सब गाड़ियां यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, गाड़ी आ नहीं रही है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे पीछे, मैं धीरे धीरे आगे जा रहा था। आगे काफी है, इसके लिए सब जगह जगह पूजा पाठ करते हैं और दर्द रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉक में स्वागत है। सुबह का 7 बजा है, मैं टाटा से भर के गाड़ी लेके आ गया यहाँ पे समृद्धि के नीचे सर्विस एरिया में। रुक गया था दोस्तों यहाँ पे, खाना वाना बना के मैंने खा के सोया था और अब यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों संभाजी नगर के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना गाड़ियाँ लगी है, इधर भी है, इधर भी गाड़ियाँ लगी है। ये 2 टाटा से भर के आई है गाड़ी, वो भी मेरे साथ में रुकी है। ओ उस्ताद निकला जाए, फ्रेश फ्रेश हो लिए। आप 3 बजे जगाए नहीं, आप बोलते हैं कि हम अभी सुबह 7 बजे से चलेंगे, तो मैं क्या जगाऊं, आपका नींद क्यों खराब करूं। ये दोनों गाड़ियां हैं दोस्तों, ये गाड़ी है और ये गाड़ी है, दोनों हमारे साथ के हैं। देखिए अभी देखे गाड़ी तो रुक गए हैं। क्या उस्ताद सही है कि नहीं? कितने बजे रात को आए आप? कितने बजे आए? 2 बजे आए। और आप? 2 बजे। दोनों साथ में, दोनों साथ में आए दोस्तों, हमारे लिए रुके थे, अब हम लोग साथ में तीनों निकल रहे हैं यहाँ से संभाजी नगर के लिए। साथ चला जाए ना। हाँ चलिए ना, आगे चाय पीते हैं। कहाँ चाय पियेंगे? समृद्धि के नीचे रोक के टुलना गया, उतरेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब लासुर में। लासुर में हाँ, तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। चलिए चलिए। अभी आज ये काशी है, इसके लिए सब जगह जगह पूजा पाठ करते हैं और आज व्रत भी रहते हैं हनुमान जी के मंदिर पे। बस वह बहुत अच्छा नजारा है दोस्तों, ठंडा ठंडा लग रहा है। सब गाड़ियां यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। ये देखिए गाड़ी है दोनों, व्हाइट सफेद दलपति बना हुआ है। ये दोनों गाड़ी साथ में निकलने वाली है। चलते हैं दोस्तों आराम आराम से, दोनों गाड़ी साथ में आ रही है। तो अभी रेस्ट सर्विस एरिया में गाड़ी ले रहे हैं, यहाँ चाय पियेंगे फिर निकलेंगे। ये दूसरा रेस्ट सर्विस एरिया है, बैजापुर का सर्विस एरिया के, यहाँ पे तो गाड़ी लगा दिए हैं। गाओ चाय पीने। अभी कहाँ मैं खड़ा करूँ, जगह तो है नहीं, आगे आगे खड़ा करना पड़ेगा। सब ड्राइवर लोग रेस्ट कर रहे हैं, सब सो रहे हैं इसी में, पंप के बाजू में वहाँ पे चाय का टपरी है। चलते हैं। कहाँ रुक गए थे? मैं तभी से धीरे धीरे आराम आराम से आ रहा हूँ, हमारा दोनों गाड़ी आ नहीं रही है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे पीछे, मैं धीरे धीरे आगे जा रहा था। अच्छा आपका पानी लीकेज हो गया था आगे से कि पीछे से? रेडिएटर का इनका पाइप लीकेज हो गया था, वही बांध रहे। अच्छा ये देखिए मस्त कैंटीन है, 3 चाय दे दीजिए। गरम है? हाँ मैं भी पी के कैसा है। A few minutes later, चलते हैं, चाय तो पीना हो गया, चलते हैं फिर 10 बजे तक संभाजी नगर पहुँचेंगे, है कि नहीं? यहाँ से 2 घंटा लगेगा और टायर भी गर्म हो रहा ना। अब हम लोग को 3 बजे उठना था तो सोए ही रह गए, उठे नहीं। अब ये उस्ताद भी सोए रह गए, ये भी नहीं उठाए, अन्ना यादव जी भी उठाए, ये भी हमारे बलिया वाले हैं, हमेशा मिलते रहे। छपरा वाले, छपरा वाले, हम बलिया के हैं, छपरा वाले में नहीं, बॉर्डर पे ही हैं। चलिए बैठिए बैठिए, आपकी गाड़ी आ गई। टायर गर्म हो गया है, इनका रेडिएटर से पानी गिर रहा है, ये देखिए दिखाई गिर रहा कि बंद है? ये जो पाइप है ना, ये वाला, ये वाला। अच्छा अच्छा, गर्म हो गया। ये जो पाइप है इनका, हाँ तो ये पाइप मालूम कौन सा पाइप है? ये कौन सा पाइप है? वाटर पंप पुलिंग का है, कंप्रेसर, कंप्रेसर से घूमते। चलते हैं, स्टार्ट कीजिए, हाँ लेट मत कीजिए, चलते रहिए धीरे धीरे। भी टायर देख लूं, सही है, लोड है ना,
गर्म हो गया है। हाईवे पे चलने के बाद अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, हाँ लिफ्टर उठाया था इसलिए थोड़ा आगे का गर्म है, फिर भी चलेगा। प्रसाद मिला है ये देखिए, इसमें तो मैं पी रहा हूँ, गरम है, और एक केला, ये प्रसाद और ये पानी का बोतल। तो दोस्तों आज ये काशी है, इसके लिए सब जगह जगह पूजा पाठ करते हैं और आज व्रत भी रहते हैं हनुमान जी के मंदिर पे, चाहे घर पे भी वही प्रसाद बांटते आ रहे थे, तो मैं भी लेते गया। और ये देखिए, ये देखिए अभी मैं गाड़ी खड़ा किया हूँ, पी रहा हूँ उसको। ये साबूदाना जिसका प्रसाद है इसको भी टेस्ट करते हैं, इसको प्रसाद को चखते हैं। तो खा लिया औरंगाबाद संभाजी नगर में, ये विट्ठल बाबा का मंदिर है यहाँ पे पंडरपुर में। आज बहुत बड़ा जतरा है यहाँ पे, पूरी तरह से चारों तरफ से पुलिस का बैरियर लगा हुआ है, उधर से अब जा नहीं सकते। मुझे भी बाजार में जाना है तो मैं बारे बारे में डीसी को होते हुए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं यहाँ से। देख सकते हैं दोस्तों मैं कंपनी में आ गया हूं और यहां पे चार गाड़ी पहले से खड़ी है, ये देखिए 1, 2, 3, एक अंदर गई है, खाली हो रहा। तो चलते हैं दोस्तों, एंट्री कराते हैं। हमारा पेपर है माल का और लेके चलते हैं स्टोर में। तो दोस्तों मैंने कंपनी के अंदर आ गया हूं और गाड़ी लगा दिया अंदर, अभी खाली नहीं करेंगे, तीन गाड़ी आगे है। तो दोस्तों अभी 12:05 हुआ और रात का जो चावल सब्जी था वो मैंने खाना खाया अभी, खा के मैं इधर ही रख दिया, अभी बर्तन धोना है। और दोस्तों ये देखिए हमारे उस्ताद लोग बैठे हैं खाना खाने, ये देखिए ये गाड़ी और पीछे गाड़ी, दो जन चार जन है, देखिए देखिए खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा लिया दोस्तों। अब वेट कर रहे हैं कि पहले इनका नंबर है तो ये गाड़ी खाली होएगी, बाद में वो गाड़ी खाली होएगी, बाद में अपना खाली होएगी। दोस्तों शाम को 5:30 गया, मैं चलता हूँ पंडरपुर जतरा देखने कैसा है। अभी तो गाड़ी खाली नहीं होएगा, ये गाड़ी उस्ताद का खाली हुआ, आइए उस्ताद का भी बाकी है। देखिए अभी इनका गाड़ी का नंबर है, उसके बाद अपना नंबर है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं विट्ठल पंडरपुर, विट्ठल बाबा शिरोमणि माता जी का दर्शन करने। 5 minutes later देखिए सब चरखी आया है, मैं आया हूँ मंदिर के पास, बहुत गर्दी है, देखिए बड़ा लाइन लगा हुआ है। जय हो विट्ठल बाबा, देखिए हमारा कितना लाइन लगा हुआ है। ये कितने का है बच्चा? बहुत सारे यहाँ पे मिठाइयाँ हैं। तो ये गुड़ की पट्टी है और वो पेड़ा है, ये देखिए बहुत, इसमें से ले लेते हैं। और ये क्या है? पेड़ा है वो, ये भी पेड़ा है, वो भी पेड़ा है, वो बहुत टेस्ट है, दूध का ही है। तो हम लोग देहात में पटुआ बोलते हैं। इसमें से दे दीजिए आधा किलो, इसमें से चलता हूँ आगे, अक्का लेने का है। ये कैसे दिए हैं? ये लाल वाला, ये गुड़ है कि शक्कर है? गुड़ शक्कर दोनों। कैसा ये तई? हाँ ये कितने रुपये पाओ? 50 रुपये पाओ?
वहाँ है और ये तांबा है और इधर भी पीतल का भी है और तांबा का भी है, देखता हूँ मैं भी। देखिए दोस्तों, मैंने एक रिंग ले लिया, एक अंगूठी ले लिया। ये कितने के दिए हैं यार? शाम के 7 बजने वाला है दोस्तों, अब देखिए सब दर्शन करके जा रहे हैं। ये बांसुरी कैसी दिया बाबू? 20 वाला है, 60 वाला है। ये मुकुट तो बहुत भारी है। कमाल की पहली भट्टी अपना फैमिली वाले सर्कस है। तो दोस्तों मैं ट्रक पे आ गया हूँ, ये देखिए चलता हूँ ट्रक में। पंडरपुर से आ गया हूँ विट्ठल बाबा रुकमणी माता जी का दर्शन करके, और अभी टाइम बज गया 9। अब चलता हूँ खाना बनाने। खाना में देखिए दोस्तों, दाल चावल भिंडी की भुजिया बनाने वाला हूँ। आज एकादशी का दिन है, अच्छा दिन है, इसलिए दाल भात भिंडी की भुजिया बनाएंगे दोस्तों। देखिए हम चावल रख दिया हूँ, पक रहा है, और ये देखिए हमारा भिंडी मैं काट के रेडी कर लिया हूँ। ये मिर्ची लहसुन प्याज काट लिया हूँ, और ये दाल है। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। जतरा गए थे रुकमणी माता जी का, विट्ठल बाबा का दर्शन करने, बहुत गर्दी था, बहुत अच्छा लगा, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा। इसमें दाल लग गया हूँ, थोड़ा सा इसमें तेल डाला हूँ, कड़ुआ तेल, और यह थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ, पकता रहेगा, गलता रहेगा। 5 minutes later देखिए दोस्तों, हमारा दाल जा रहा कड़ाही में। ये देखिए हमारा मस्त दाल बन गया है, एक नंबर का। देखिए दोस्तों, हमने दाल इसमें पलटी कर लिया कढ़ाई में से, और इसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, और देखिए थोड़ा सा मैंने प्याज डाला हूँ। अब चलता हूँ इसमें हम लहसुन मिर्ची का काटा हुआ टुकड़ा मैं डाल लें। ये देखिए मैं इसमें डाल दिया दोस्तों, गर्म हो गया है प्याज, लहसुन मिर्ची एकदम भुजा गया मस्त। अब चलते हैं इसमें प्याज डालने थोड़ा सा, यह हमारा प्याज को भी थोड़ा भून लेते हैं। प्याज भी भुजा गया है, अब एक नंबर का हो गया है। अब चलते हैं इसमें हम भिंडी डाल लें। तो ये रहा दोस्तों हमारा भिंडी जो काटा था, शुभ काम में देरी नहीं, एक ही बार डाल देता हूँ। मटर है, ये भी डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको भी थोड़ा डाल देते हैं। चलते इसमें हल्दी डाल लें हल्का सा, इसको भी उसी में भूज देंगे तेल में। थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया मैंने। चलता हूँ थोड़ा सा नमक डाल लें। ये है हमारा नमक, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। दाल में कम नमक डाले हैं तो भिंडी में थोड़ा चटक डालना चाहिए, अगर भिंडी में नमक तेज है तो दाल में बिल्कुल नमक ही नहीं डालना चाहिए, हल्का से डालना चाहिए। ये हमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा नमक, जितना कम नमक खाएंगे उतना सही रहेगा। 2 minutes later तो आइए देखते हैं भिंडी का क्या हाल है। भिंडी को भूजने में प्यार से भूजना पड़ता है, स्लो आंच में। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त हो गया है। दोस्तों एक नंबर का हो गया है। देख रहे हैं दोस्तों दम मस्त बना है। अब चलते हैं उतारने इसको और थाली लगाते हैं, और आप लोगों को भी आज थाली लगाएंगे। हाँ, आप लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं खाना नहीं खाएगा। आप लोग हमेशा बस बोलते हैं कि आऊँगा आऊँगा, आते हैं ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, सरकार गिर जाएगी फिर।
तो चलते हैं दोस्तों, निकालते हैं। टाइम हो गया 10:05 और हमारा दाल चावल और भिंडी के भुजिया बन गया है दोस्तों। तो चलते हैं अब खाना खाने। ये देखिए थाली निकाल लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो खाना हम निकालते हैं। ये चावल है और ये है दाल और ये है हमारा आपका भिंडी का भुजिया। चावल निकाल दिया मैंने, ये देखिए दोस्तों चावल निकाल दिया हूँ। चलते हम दाल निकालने। बहुत अच्छा दाल बना है, गढ़ा दाल बना है। और ये रहा हमारा भिंडी के भुजिया। खाते हैं बहुत टेस्ट बना है दोस्तों। तो दोस्तों रात को 10:30 है, खाना खा के मैं यही टहल रहा था, चलता हूँ सोने। अब ब्लॉग को हम एंड करते हैं, सुबह फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।